नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं लॉकडाउन 3.0 की कुछ खास बातों के बारे में, मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसलों के बारे में। तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लाइक के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो आज मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए, जी हाँ गरीब मजदूरों के लिए अलग अलग राज्य के अंदर सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। आखिर वो राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे गरीब मजदूरों को फायदा पहुंचने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको बता दें कि सेंट्रल सरकार अपनी तरफ से, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सेंट्रल सरकार आपको 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने वाली है। इस आर्थिक सहायता के लिए आप किसी भी नजदीकी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक बिना किसी ब्याज दर का लोन है जिसको बाद में आपको चुकाना होगा। अगर आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो आज देश के अंदर सोने के दाम 44,400 रुपए पार कर चुके हैं। जी हाँ, सोने की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। आज सोने के दाम 46,400 रुपए पार कर चुके हैं, जिसके बाद बड़े से बड़े अर्थशास्त्री अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सोने की कीमतें 50,000 को पार कर सकती है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि देश के अंदर पेट्रोल के दाम सरकार के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, लगातार काफी राज्यों के अंदर वेट बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर डीजल के दाम 10 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं, वही पेट्रोल के दाम के अंदर भी 7 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अलग अलग राज्यों के अंदर हर राज्य की सरकार के द्वारा अलग अलग वेट लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो देश के अंदर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टोटल आंकड़ा 49,000 के पार हो चुका है। वहीं पे अगर बात की जाए 14,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 1600 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक टोटल देश के अंदर मामले 49,200 के पार कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता देगी, पाकिस्तान में एक दिन में 40 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के कारण। वहीं पर लगातार मामले 22,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो रूस में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। लगातार चौथे दिन 10,000 के पार हो चुके हैं केस। वहीं अमेरिका के अंदर भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो इटली के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा कि हमारी वैक्सीन ने मानव कोशिकाओं में कोरोना वायरस को बेअसर कर दिया है। यानी आपको बता दें कि इटली के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा बना ली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो पुलवामा मुठभेड़ में 12 लाख का इनामी आतंकी रियाज नाइक को साथी को मार दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 12 लाख का यह इनामी आतंकी मारा जा चुका है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि 1,000 टन पैरासीटामोल का कच्चा माल यूरोप भेजेगा भारत। जी हाँ, पैरासीटामोल टैबलेट का जो कच्चा माल है उसे यूरोप भेजेगा भारत। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। लगातार चौथे दिन 10,000 के पार केस। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो विदेश से दिल्ली लौटने वाले भारतीयों को 14 दिन रहना होगा पेड क्वारंटाइन में। केजरीवाल सरकार ने बड़े आदेश दिए हैं कि विदेश से लौटने वाले भारतीयों को 14 दिन पेड क्वारंटाइन में रहना होगा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% हो चुकी है। 12 करोड़ लोगों ने नौकरियां भी गंवा दी है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ गाइडलाइन के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जल्द शुरुआत करेगी मोदी सरकार। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो कोरोना को लेकर नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक की। सर्वदलीय बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने वहां पे सरकार के सामने लगा दी अपने सवालों की झड़ी। जी हां, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और आज सर्वदलीय बैठक के अंदर उन्होंने सवालों की झड़ी को लगा दिया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए BSF हेड कॉन्स्टेबल की मौत। जी हां, सेना के अंदर भी कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। वहीं पे BSF हेड कॉन्स्टेबल की आज मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दी, रेलवे ने 1 मई से अब तक 115 श्रमिक ट्रेनें चलाई है। 1 लाख से ज़्यादा प्रवासियों को अपने घर पहुंचाया है। यूपी में 27 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि PFIJER जो दवा बनाने वाली कंपनी है, फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोटेक ने संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन को बना लिया है, ट्रायल शुरू कर दिया है। अगर सफल रहा तो इस महीने तक बाजार में ये दवा उपलब्ध हो जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि शेयर बाजार उछाल के बाद बंद। शेयर बाजार के अंदर भारी गिरावट देखी जा सकती है। सेंसेक्स 232 और निफ्टी 65 अंकों की तेजी के साथ बंद हो चुका है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑटो चालकों नई धोबियों को 5,000 रुपए की मदद देगी कर्नाटक सरकार। जी हां, कर्नाटक सरकार 5,000 रुपए की राशि
ऑटो चालकों नई और धोबी के अकाउंट में डालने वाली है। शराब पर 11% टैक्स बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि ड्राइवरों व हेयर ड्रेसर को कर्नाटक सरकार देगी 5,000 रुपये की धनराशि। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने इसे आर्थिक राजद्रोह का करार दिया है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी एक आर्थिक राजद्रोह है जो मोदी सरकार की परेशानियों का सबूत माना जा रहा है। ये थी आज की देश भर की बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।